शांति ओम शांति ओम शांति। रोज एक दो बात याद रखो, किसी के प्रति कुछ भी भावना बिगड़ा तो फाइल क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? दिन में कितने भी फाइल क्रिएट हो जाए, रात को उस फाइल को ऐसे उसी दिन आप क्षमा याचना करके उस फाइल को पूरी रीति से समाप्त करना है। इसी को बाबा हमें कहते हैं, सोने के पहले बुद्धि खाली करके बैठो। सो बाप को साथी बना के सो जाना, समझ में आया? इसको कहते चौर, इसको क्या कहते हैं? चौर। ऐसे नहीं आज तो अमृत वेला होता, ठीक, आज तो भोजन शुद्ध हुआ, ठीक, वो तब तो नियम, लेकिन सूक्ष्म गति यदि वो देवी रखो, अमृत वेला उठो, झुमका ताते क्या खाते पता नहीं, कान पान में घर में भी झगड़ा करते हैं, बाहर वालों को भी बोलते हैं हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते, इसको ही नहीं पुरुषार्थ कहते। ये सब नियम है। पुरुषार्थ मतलब पुराना कांटा हल्का से समाप्त हो जाए, नया कांटा बड़े ही जागृति में रहे, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। इसी को बाबा हमको कहते हैं बाप समान को पाना है, समान करना को पाना है। तो किसी भी कारण से हमको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है? फाइल्स क्रिएट नहीं करना, क्या क्रिएट नहीं करना है? फाइल्स। अभी सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अभी आप उठ के जाते हैं, समझो किसी ने आकर के आपको कुछ ना कुछ बोल दिया तो क्या करेंगे? फाइल क्रिएट करेंगे या शुद्ध आत्मा बनेंगे? क्या बनेंगे? आप जल्दी जल्दी जा रहे, कोई आकर के आपको धक्का मार करके चले गया तो उसके प्रति भावना चढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ भावना बिगाड़ेंगे? नहीं ना, उसको कैसे दृष्टि से देखना है? शुद्ध आत्मा। यहाँ बच गया तो वहां भी बच गया, बच गया अर्थात बच्चा बन गया, और जो बच्चा बनता है वो बच जाता है, जो कच्चा बनता है वो ना बचता है। इसलिए बाबा कहते सच्चा बनो, अच्छा बनो, बच्चा बनो तो बच जाएंगे।